नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रृंखला में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर एससी वर्मा आईआईटी कानपुर की जो किताब है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आप पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8 वर्क एंड एनर्जी। और आज आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर कह रहे हैं कि आपके पास एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस है तो जाहिर सी बात है एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। सर बता रहे हैं 0.1 है, राइट। और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 250 ग्रजी है। हम हमेशा बताते हैं कि जब मास के साथ जी लगा होता है तो ये ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके पास हो गया 250 × 10⁻³ ग्राम। तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा होगा, धरती माता मान रही नहीं होंगी, इसको खींच रही होंगी लाइक दिस, देख रहे हैं ठीक कोई चीज है, धरती माता खींच रही, तो ये नीचे नहीं आ रहा है तो क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ये जो रफ सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, राइट। वो क्या रहा है, इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर से शुरुआत कर दी, यानी ये इनिशियली 40 सेंटीमीटर से चल रहा है, यानी कि आप 100 से भाग कर दीजिए एमपीएस में ले लिया तो 0.4 मीटर पर सेकेंड तक चला, और तो कुछ हो नहीं रहा है। ये जो बदतमीज फ्रिक्शन है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन रफ सरफेस से पीछे क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये चलते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे जाके ये रुक जाएंगे। कह रहे हैं कि ये जाके जो है रुक जाना है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जा रही है। अब ऐसे सूरत हाल में आपके पास दो अननोन क्वांटिटी कौन, एक तो कितने डिस्टेंस के बाद जाके रुकेंगे वो आपको निकालना है, राइट। और दूसरा, अगर डिस्टेंस ऑफ फोर्स है, भले ही फ्रिक्शनल फोर्स आपको मालूम है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं वर्क डन, जो कि आप जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का। काम बन गया आपका, आपने कहा इनके बीच का एंगल देख लीजिए, फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन वो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर से इधर हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो कितना एंगल है 180। काम बन गया आपका, आपने कहा सर ये बराबर एफ इंटू एस डॉट है तो कॉस होगा, कॉस का 180 जो कि किसके बराबर है, इसके वर्क डन बहुत आसान है, एफ तो आपको मिल गया, किसके बराबर होगा, म्यू टाइम आर, आर किसके बराबर बेटा, एम जी के बराबर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस म्यू एम जी, बस एस निकल आए हमारा तो हमारा वर्क डन भी निकल आएगा, और यही सर चाहते भी थे, बताओ एस और वर्क डन, वेरी सिंपल। एस निकालने के लिए आपको एक चीज और चाहिए, यूओवी मालूम है, एक्सेलेरेशन जो कि यहाँ पे रिटार्डेशन होगी, होगी कि नहीं होगी, तभी तो रुक रहा है, एक्सेलेरेट कर दो तो बच जाएगा, रुकेगा नहीं, तो कौन रोक रहा है, यही फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक रहा है, तो वो डी एक्सेलेरेट कर रहा है, कि एक्सेलेरेशन निकालने में आपने कहा कि भाई साहब ये कब रुकेंगे, कहने लगे जो भी अप्लाई फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, अगर उतना फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा रुक जाएंगे। ये बराबर मास इंटू एक्सेलेशन, और इसको आप जानते हैं म्यू इंटू आर, क्योंकि ओरिजेंटल सरफेस है, आर आपका एम जी है तो ए आपको मिल गया म्यू इंटू जी, और एक्सेलेशन जिसको आप रिटार्डेशन कहें तो बेहतर है, तभी रुकेंगे, ये बराबर हो जाएगा इतना इंटू 9.8, यानी 2 के बाद लगाते हैं, राइट। ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ध्यान रहे ये एक्सेलेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, तभी ये रुक रहा है, इसलिए इसको माइनस लगा देते हैं। बस अगर आपको ये मालूम है तो इस निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, दिख रहा है बेटा, कट तो नहीं रहा है, +2as काम बन गया आपका, 0 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर माइनस इसको ले लिया 2.98 × s, यहां पे लिख लेते हैं
क्यों मिटा रहे हैं हम, इसको इधर ले आइए। ये हो गया 8 दुनाई 16 और ये हो गया 9 दुनिया 18 19 और 2 के बाद लगा है। ये हो गया 0.4 × 0.4। चाहे तो आप इसको इसको उड़ा लीजिए। इसलिए मित्रों 4 × 16 / 196 डिस्टेंस आते ही काम बन गया। कैलकुलेटर जी आपकी मदद की जरूरत है ताकि आप जल्दी से देख ले मेरा उत्तर क्या आ रहा है। और ये आ रहा है 0.016 मीटर। मीटर में है बेटा, तो आप कह सकते हैं कि सर आप इतना दूर नहीं ले जाएंगे तो 82 मीटर ले जाएंगे। सेंटीमीटर बनाना हो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फील आएगा, तो 100 से गुणा कर देंगे यानी 8.2 सेंटीमीटर जाएगा। समझ रहे हैं आप विनोद? 0.1 अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और 40 सेंटीमीटर के वेग से आप फेंक देंगे 250 ग्राम की बॉडी को तो ज्यादा नहीं 8.2 सेंटीमीटर जाके रुक जाएंगे। तो ये सेकंड पार्ट था जो आपने पहले कर लिया। क्यों? क्योंकि जो पहला पार्ट है उसमें हमको इसकी जरूरत है। बस यहां रख दीजिए, वर्क डन दिया जाएगा। 0.1 वजन 250 ग्राम यानी 250 kg, ग्राम था केजी में बता लिया। इतना जी 9.8 और ये मीटर वाला लीजिएगा भाई साहब 0.082। गुणा कर लिया जाए इसको, काफी छोटा सा आ रहा है। कहा है कैलकुलेटर की एक बार फिर आपकी मदद की जरूरत है। इससे हम पहले इसको उड़ा लेते हैं, एम राइट? और अब हम गुणा करते हैं 25 × 9.8 × 0.082। ये हमारे पास आ गया 20.09 और ये 10⁻³ पहले से था। इसका मतलब 3 घर इधर ले आए, 1 2 3, 1 2 और 3। तो वर्क डन कितना हो गया 0.02 जूल का। माइनस क्या बता रहा है कि जो फोर्स है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है।